विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो ये देखिए, सौगातों की बरसात आज हुई है। परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास पीएम मोदी ने किया। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जिसका लोकार्पण पीएम मोदी के हाथों हो चुका है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नया नाम रखा गया और साथ ही साथ दो अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी पीएम मोदी ने दिखाई। तो वही वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी दी है पीएम मोदी ने, 6 वंदे भारत ट्रेन। तो वहीं अयोध्या में 4 नई सड़कों का उद्घाटन भी पीएम मोदी कर रहे हैं। तो अयोध्या में 11.1 हजार करोड़ की परियोजनाएं, जिसकी सौगात दी। यूपी के दूसरे हिस्सों में भी 4,000 से ज्यादा करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। पुनर्निर्माण में बात की जाए तो इसमें भी पीएम मोदी यहाँ पर सौगात देने के लिए पहुंचे। 3 मंजिला आधुनिक इमारत भी तैयार होनी है। तो ये अयोध्या धाम जंक्शन की खासियत बता दें, जो कि गुंबद श्री राम के मुकुट से ये प्रेरित बताया जा रहा है और दीवारों पर भगवान राम की तस्वीरें इसमें लगाई गई हैं। तो दीवारों पर मंदिर की वास्तुकला भी नजर आई है। एस्केलेटर और फूड प्लाजा भी यहाँ पर तैयार किया गया है लोगों की सुविधाओं को देखते हुए। पूजा की सामग्री की बात की जाए तो पूजा की सामग्री भी आपको मिलेगी जब आप पहुंचेंगे। क्लास रूम और चाइल्ड केयर रूम भी यहाँ पर तैयार किया गया है। साथ ही साथ पर्यटक जाहिर सी बात बढ़ेंगे, ऐसे में पर्यटक सूचना केंद्र भी तैयार किया गया है और 1 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता वाला ये स्टेशन बन चुका है। ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग का दर्जा इसे दिया गया है। पुनर्निर्माण में आपको फिर से बता दें, 240 करोड़ रुपए की राशि लगी है। तो 8 ट्रेनों की सौगात, 2 अमृत भारत ट्रेन जो कि मालदा टाउन बेंगलुरु चलेगी, अयोध्या दरभंगा तक चलेगी। तो 2 अमृत भारत ट्रेन की सौगात भी पीएम मोदी ने आज दी है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, 2 अमृत भारत ट्रेन के साथ 6 वंदे भारत ट्रेन की सौगात पीएम मोदी की तरफ से दी गई है। अमृत भारत ट्रेन की अगर बात करें तो मालदा टाउन बेंगलुरु के बीच ये चलेगी। तो वहीं दूसरी अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से दरभंगा के लिए रवाना होगी। तो देखिए, इन जगहों पर जाने वाले, सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि अमृत भारत ट्रेन की सौगात पीएम मोदी ने यहाँ पर दे दी है। तो ये तो अमृत भारत ट्रेन की बात हो गई। इसके अलावा 6 वंदे भारत, जी हाँ, देश में हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय समय पर वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है और इसी कड़ी में आज जब उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री पहुंचे तो इस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या वासियों को 6 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। और वंदे भारत ट्रेन की अगर बात की जाए, जो कि ट्रैक पर काफ़ी रफ्तार में ये दौड़ती है, काफ़ी सुविधाओं से लैस होती, हाईटेक तकनीक की ये ट्रेन कही जाती है। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि सफ़र करने वालों के लिए ये सहूलियत की बात होगी, साथ ही साथ कनेक्टिविटी भी यहाँ पर बढ़ने वाली है।